तो मैं सैल्यूट करती हूँ अपने प्रधानमंत्री को जिन्होंने इतनी ताकत के साथ ऐसा डिसीजन ले लिया जो सोचने से भी हम घबराया करते थे, हम सोचते थे। और फारूक अब्दुल्ला और मैं, महबूबा मुफ्ती, इन सबको याद करती हूँ ना, इनके बयान तो ये कहते थे अगर आपने 370 हटा दी, 35 हटा दिया, आग लग जाएगी और आप क्या कहते हैं तिरंगा उठाने वाला कोई हाथ नहीं बचेगा। वो लोग ही नहीं बचे जो तिरंगे को हटाने की बात करते थे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, इंडिपेंडेंस की वजह से खुश हूँ, आज असली आज़ादी की वजह से भी खुश हूँ कि देखिए आज कश्मीर भी असली आज़ाद हुआ हुआ है। कश्मीर हमारा है, उसको याद रखना चाहिए। जब हम चाइना की गर्दन मरोड़ सकते हैं ना शेरिन, तो पाकिस्तान तो हमारे नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं तो उसका नाम लेना ही अच्छा नहीं समझती हूँ, उसका नाम लेके खाली पीली ज़बान ख़राब होती है मेरी, पवित्र करने जाना पड़ेगा मुझे अपनी पाकिस्तान का नाम लेके, सच बता रही हूँ आपको। और दो कौड़ी का पाकिस्तान और दो कौड़ी का इमरान खान, ये मतलब किस बात के प्रधानमंत्री हो, अच्छी शेम ऑन यू इमरान खान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे, और आज हमारे साथ हैं शबनम खान मैम। और शबनम खान मैम से बात करेंगे कि आज आज़ादी का दिन है, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, और आज जो पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम तरीके की बातें की हैं उन सब पे बात करेंगे। आज जो कश्मीर से धारा 370 हटे हुए एक साल हो गया है, जिस लाल चौक पर कभी पाकिस्तान का झंडा फिरा करता था, आज शान से भारत का तिरंगा लहराया है, तो इस पर ही बात करेंगे मैम। मैम, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा लाल किले से कि आज धारा 370 को भी हटे एक साल हो गया है, और उस कश्मीर में जहां कभी पाकिस्तान का भी झंडा लहराया करता था, आज शान से भारतीय तिरंगा वहां लहराया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? सबसे पहले तो शेरिन, मैं आपको और सारे जितने आपके व्यूवर्स हैं और सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। क्या जश्न से मनाते हैं हम लोग, कैसे है ना एंजॉय करते हैं अपनी आज़ादी को, देख के दिल खुश हो रहा है। और अभी आपने उसमें 370 हटने की भी बात जोड़ दी, तो कहीं ना कहीं वो जो खटक 15 अगस्त पे रह जाती थी हमारे दिलों में, एक खटक रह जाती थी कि कश्मीर में हम उतनी शान से तिरंगा नहीं लहरा पाते, वो खटक इस साल ख़त्म हो गई है, वो खटक आज हमें महसूस नहीं हो रही है। आज मैं देख रही हूँ कश्मीर में भी उसी शान से जैसे पूरे देश में लहरा रहा है तिरंगा, उसी शान से लहरा रहा है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ अपने प्रधानमंत्री को जिन्होंने इतनी ताकत के साथ ऐसा डिसीजन ले लिया जो सोचने से भी हम घबराया करते थे, हम सोचते थे। और फारूक अब्दुल्ला और मैं, महबूबा मुफ्ती, इन सबको याद करती हूँ ना, इनके बयान तो ये कहते थे अगर आपने 370 हटा दी, 35 हटा दिया, आग लग जाएगी और आप क्या कहते हैं तिरंगा उठाने वाला कोई हाथ नहीं बचेगा। वो लोग ही नहीं बचे जो तिरंगे को हटाने की बात करते थे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, इंडिपेंडेंस की वजह से खुश हूँ, आज असली आज़ादी की वजह से भी खुश हूँ कि देखिए आज कश्मीर भी असली आज़ाद हुआ हुआ है। मैम, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सब तमाम तरीके की बातें भी गिनवाईं कि किस तरीके से उनकी सरकार ने काम किया है, तीन तलाक को लेकर भी बात की, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, तीन तलाक के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, कोई साथ देने वाला नहीं था। शेरिन, मैं आपको अगर पीछे बहुत साल पुराने से भी याद दिलाना चाहूँ तो तीन तलाक पे मुसलमान औरतों, तीन तलाक तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम औरतों के बारे में भी कभी आपने सुना था? शेरिन, आप इतनी बड़ी हो गई हैं, 20-21 साल की होंगी, 18-19 साल की। मैं कह रही हूँ कि मतलब मुसलमान औरतें कूड़ेदान से भी नीचे कहीं पड़ी थीं, कोई नाम भी नहीं लेता था मुसलमान औरतों का। ये सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले मुल्लाओं ने पता है क्या बना रखा था कि जब भी कोई मुस्लिम की बात होगी ये मुल्ला बेच कर आ जाएंगे मुसलमानों की वोट और खुद अपना निजी फ़ायदा उठा लेंगे। क्या कभी आपने मुसलमान औरतों के बारे में बात भी होते सुना था किसी इशू पर? एक बार बात हुई थी शाबानों की तो आपको याद है क्या हाल हुआ था? 100 रुपये नहीं लेने दिया उसे गुजारा भत्ता अपना। तो मैं कह रही हूँ कि आज कम से कम तीन तलाक से मुक्ति पा गई हैं बहनें। बहुत सारी बहनें तो कह रही हैं कि बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं भी कह रही हैं ना शेरिन, दिल ही दिल में खुश हो रही होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुआ भी देती होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो फैसला आया लेकिन सरकार से भी पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है। मुसलमान औरतों पर कोई स्टैंड नहीं ले जाता था शेरिन, राजीव गांधी को भी बुद्धू बना के इन मौलानाओं ने किस तरह से संसद में बदलवा दिया शाबानों का केस। हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया था लेकिन इन्होंने संसद में बदलवा दिया, तो आप सोचिए कि इन कितने पावरफुल मुल्ला रहे होंगे ये लोग। यानी कि दूसरी विपक्षी पार्टियां सिर्फ मुल्लाओं की, एक जो तीन चार लोग थे बस इन्हीं के कहने पे चलते थे, निचले दर्जे का मुसलमान को क्या तकलीफ है ये कोई नहीं पूछता था। और मैं कह रही हूँ औरत का तो कोई नाम ही नहीं लेता था, कौन सा दुख कौन सी तकलीफ कोई बात ही नहीं करता था। तो ये 370 की भी आज उन्होंने याद दिलाई, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही हूँ। और मुस्लिम बहनों से कह रही हूँ कि अब इन दाढ़ी टोपी वाले जो मुल्ला आपको भड़काते आ रहे हैं ना बरसों से, इस्लाम का नाम लेके अपने मज़े ले रहे थे, तीन तलाक के नाम पे मज़े ले रहे थे, हलाला के नाम पे मज़े ले रहे थे, जो खूबसूरत औरत दिखी, जो 20 साल की दिखी, वहीं उसके पति को भड़काया और तलाक दिलवा दिया,
फिर हलाला करके उसके पास वापस भिजवाने की कोशिश करने लगे या कुछ और। ये सेक्स रैकेट से भी ज़्यादा खतरनाक था हलाला, तो इससे मुक्ति मिली है मेरी मुस्लिम बहनों को। मैं उन सबको भी कहना चाहूंगी कि आप सब भी आज़ाद हुई हैं, आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है, हमें 74 साल हो चुके हैं हमें आज़ादी मिले हुए, पर जिसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने राज किया और हमें वो आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई थी जो मोदी सरकार में मिली, उन सारी चीज़ों के लिए क्या कहना चाहोगी, उन उपलब्धियों के लिए क्या कहना चाहोगी? देखिए बहुत सारी चीज़ें आज प्रधानमंत्री ने हमें याद दिलाई कि लोग पूछते रहते हैं ना आपने क्या किया आपने क्या किया, और जो किया सो किया, आगे का जो उन्होंने एक सुनहरा भविष्य हमें दिखाया वो देखिए, हमारी हेल्थ को लेकर बात की, और महिलाओं पे कोई लाल किले की प्राचीर से तो कोई बात नहीं करता था शेरिन, मुसलमान बहनों को छोड़ दीजिए, बहनों की बात नहीं करता था, आज कम से कम बहनों की बात तो होती है लाल किले की प्राचीर से। उन्होंने कहा कि अगर कैडेट भी लेंगे तो महिलाएँ उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आप और हमारा जो एक महिलाओं का सशक्तिकरण की जो आप और हम बात करते थे, आज हम पहली बार देखते हैं कि हम सशक्त होने की तरफ जा भी रहे हैं, सिर्फ नाम नहीं चल रहा है कि सशक्तिकरण सशक्तिकरण। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आप ये मत कहिएगा इतना धन्यवाद क्यों कर रही हैं, धन्यवाद करना चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए, देश हित के लिए और हमारी सेना के लिए, देखिए एक एक मुद्दा देखिए आप, प्रधानमंत्री की बातें सुनिए, एक एक मुद्दे को उन्होंने प्योरिटी के साथ बताया, और वो जो वैसी छाप टाइप लोग बोलते फिरते हैं ना 5 साल में क्या किया, उन सब के मुंह पे ताला लगा दिया प्रधानमंत्री जी ने। और हालांकि थोड़ा दुख था कि कोरोना की वजह से जो प्रधानमंत्री भी एंजॉय करते थे बच्चों के साथ और हम सब भी वहाँ खड़े रहते थे, अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी मुझे प्रधानमंत्री के चेहरे पे शिकन नज़र नहीं आई, और प्रधानमंत्री इतने आश्वस्त नज़र आए कि हम कोरोना को भी हराएंगे, और हमने हराया भी है शेरिन। अगर आप और देशों से हमारी तुलना करेंगी तो हमने हराने की तरफ ही शुरू से ही कदम रखा हुआ है, तो इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी। मैम यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आपने कही कि उन्होंने जितनी भी उपलब्धियाँ हैं सेना को लेकर भी गिनवाई, तो उन्होंने आज पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत चाइना को भी दिया, उन्होंने कहा कि विस्तारवादी का युग नहीं है, अब वो खत्म हो चुका है। देखिए विकासवाद का युग है ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, विकासवाद के युग में अगर आप दूसरों की जमीन हथियाने का, इसे कहते हैं माफियावादी, माफिया कहलाता है ये जो दूसरों की ज़मीनें हड़पने का काम करता है, तो चाइना अगर दूसरों की ज़मीनें ही हड़पने का काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी बता दिया तुम्हारी एक नहीं चलेगी, और ये भी बता दिया हम इतने सशक्त हैं अब कि आपको एक इंच आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि हम आपकी साइड कुछ और विकासवाद कर दें, हम अपना विकास वहाँ तक पहुँचा दें, तो हमारे विकास से कुछ चाइना को भी सीखना चाहिए शेरिन, खाली बकवास नहीं करते रहना चाहिए। देखिए जब प्रेम प्यार से बात नहीं बढ़ सकती हो, जब प्रेम प्यार से आप और हम साथ साथ जी सकते हो, यही प्रधानमंत्री जी का संदेश था कि प्रेम से रहिए, विकास करिए अपने जहाँ के आप राष्ट्रपति हों प्रधानमंत्री हों, लेकिन छीनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अब कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है कि आपको अपने प्रसाद की तरह देकर चला जाएगा कि खाइए आराम से। चाइना को धूल चटा दी, सिर्फ शब्दों से धूल चटा देते हैं हम, और सेना के सामने आ गए तो आपको पता ही है कि कैसे मार मार के भगाया जाएगा, और भगाया भी आपने देखा ही होगा किस तरीके से, हड्डी तोड़ के रख देते हैं हम, गर्दन मरोड़ देते हैं अपने दुश्मनों की जब अपनी पर आते हैं। और हमारे देश के सैनिकों को सैल्यूट करती हूँ आज मैं शेरिन, क्योंकि हमारे देश के सैनिक जब भी ऐसी कोई बात आती है, हमारे पास हथियार हो या ना हो, संसाधन हो या ना हो, शेरिन जांबाजी से हरा देते हैं दुश्मनों को। भारत माता की जय का नारा जैसे ही आता है आप देख रही हैं कैसे चेहरा बदल जाता है, ऐसे ही हमारे सैनिकों ने हरा कर आ जाते हैं। तो अपने सैनिकों को जो शहीद हो गए उनको भी, जो अभी यहाँ पर हमारी सुरक्षा में तैनात हैं उन सबको भी, हर पुलिस वाले को, हर डॉक्टर को, हर जो भी बच्चा बच्चा या जवान या महिलाएं जिन्होंने भी कोरोना काल में भी मदद करी, सबको मैं ग्रैंड सैल्यूट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबको मेरा सलाम है। और इसी तरीके से एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, जागरूक रहिए। मैम जैसे भी आपने सेना की बात की तो आज बहुत ज़्यादा जज्बा हमारी सेना में लद्दाख में भी दिखा कि हमारे सैनिक तिरंगे को लेकर आगे बढ़ रहे थे और गाना भी गा रहे थे। देखिए ये आप और हम गाना कह रहे हैं ना, वंदे मातरम शेरिन, ये हमारी जान है, इससे ना हमारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। मैं तो तिरंगा ही कहीं देख लेती हूँ ना शेरिन, देखिए कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल खुश हो जाता है। और जब आप और हम कुछ भी ऐ वतन मेरे वतन या कुछ भी ज़रा सा नाम ही ले देते ना, भारत माता की जय वंदे मातरम, तो शरीर में एक ऐसा मुझे लगता है जैसे फौलादी कोई चीज़ आकर बैठ गई है और अब दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देंगे हम। तो उनके गाना गाते हुए देख के ना हम सब
यहाँ पर गाना गा रहे थे उनके साथ साथ, उनको तिरंगा हाथ में उठाए देख के हम भी समझ लीजिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, तो पूरे देश को भी सलाम। सारे लोग ऐसे ही एकजुट रहिए, किसी की आपको चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, किसी की गलत बात में आपको साथ देने की जरूरत नहीं है। देश के लिए स्टैंड लेना चाहिए हर एक व्यक्ति को, जो देश को मैं धीरे धीरे बदलता हुआ देख रही हूँ। चाइना के आगे पूरे देश ने देखिए कैसे एकजुटता के साथ बताया कि अगर चाइना की चीज़ों का विरोध करना होगा तो भी, ऐप का विरोध करना होगा तो भी, और मैं तो आपके माध्यम से कह ही चुकी हूँ लड़ने भी जाना पड़े ना तो आप देश के नागरिकों से एक गुहार लगाइएगा, आवाज़ लगाइएगा, सारे देश के नागरिक चल पड़ेंगे और ऐसे ही गर्दन मरोड़ मरोड़ कर आ जाएंगे एक एक चीनी सैनिक की। ये मैं आपको, मुझे ये आश्वासन है, आपको तो आश्वासन देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक और बड़ी बात कि आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है कि स्वतंत्रता दिवस है, तो कल ऐसा ही दिन था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो अपनी जनता को एक संदेश देने की बजाय कश्मीर का राग अलाप रहे थे। आप सोचिए जनता को संदेश देने के लिए था क्या शेरिन उनके पास? हमारे प्रधानमंत्री के पास तो अचीवमेंट्स थी, क्या बताता वो कि गधे बेच रहा हूँ, क्या बताता वो कि अपने कार्यालय का टेलीफोन का बिल नहीं भर पा रहा हूँ? इमरान खान क्या बताता, आप बताइए अपने देश की जनता को, आप यही तो बताएंगे हमने ये किया आगे हम भविष्य में ये करेंगे, तो क्या हो चुका, सत्यानाश हो चुका देश का, पाकिस्तान का, उनके, ये बताता इमरान खान? तो उसके पास बताने के लिए कुछ था नहीं, कश्मीर का ये कह के वो उनकी भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहा था कि मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दो, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब पाकिस्तान की जनता को भी जागरूक हो जाना चाहिए शेरिन, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, जिस प्रधानमंत्री से अपना बिजली का बिल ना भरा जा रहा हो, टेलीफोन का बिल उसका ना भरा जा रहा हो, उसको शर्म करनी चाहिए थोड़ी। जनता की 2 जून रोटी कहाँ से आएगी, उस पर काम करना चाहिए। कश्मीर हमारा है, उसको याद रखना चाहिए। जब हम चाइना की गर्दन मरोड़ सकते हैं ना शेरिन, तो पाकिस्तान तो हमारे नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं तो उसका नाम लेने ही अच्छा नहीं समझती हूँ, उसका नाम लेके खाली पीली जबान ख़राब होती है मेरी, पवित्र करने जाना पड़ेगा मुझे अपनी, पाकिस्तान का नाम लेके, सच बता रही हूँ आपको। और 2 कौड़ी का पाकिस्तान और 2 कौड़ी का इमरान खान, ये मतलब किस बात के प्रधानमंत्री हो, अच्छी शेम ऑन यू इमरान खान। धन्यवाद मैम।